जब इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की सीरीज खेलने गई थी तो उस वक्त टीम पेनी ने ऋषभ पंत को बेबी सीट करने की सलाह दे डाली थी और कहा था कि मैं और मेरी बीवी बाहर घूमने जाएंगे और तुम तब तक बच्चों को खिलाना। अब इस बात की उनकी सलाह पर वीरेंद्र सहवाग ने अमल कर लिया है और स्टार स्पोर्ट्स के नए ऐड में जिसमें ऑस्ट्रेलिया का टूर इंडिया पर होगा और वह मैच स्टार स्पोर्ट्स पर टेलीकास्ट होंगे, उन्होंने एक ऐड बनाया है जिसमें वीरेंद्र सहवाग ऑस्ट्रेलिया की ड्रेस पहने दो बच्चों को गोदी में खिलाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमको न्योता दिया था कि क्या बेबी सीट करोगे, तो हमने भी कह दिया आ जाओ जी, सारे के सारे आ जाओ, हम बिल्कुल बेबी सीट करेंगे। हालांकि ये ऐड इंडियंस को बेशक फनी लग रहा हो लेकिन ऑस्ट्रेलियन को ये ऐड काफ़ी ज़्यादा ओफेंडेड लग रहा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर मैथ्यू हेडन ने यह सलाह भी दे डाली है स्टार स्पोर्ट्स और वीरेंद्र सहवाग को कि वो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने की भूल ना करें। ये मत भूलिए कि वर्ल्ड कप को बेबी सीट कौन कर रहा है और किसकी गोदी में इस वक्त वर्ल्ड कप है। जाहिर सी बात है स्टार स्पोर्ट्स हमेशा अपने इस तरह के एड्स को लेकर चर्चा में रहा है, चाहे मौका मौका हो जिसने पूरे पाकिस्तान को ऑफेंड किया था या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो जिसमें कहा गया था कि हिसाब 25 साल का। जब दूसरे देश के चैनल इस तरह के प्रोमोज बनाते हैं तो वो एक कंपटीशन को लेकर होते हैं कि दो टीमों के बीच में क्रिकेट होने जा रही है, लेकिन जब हमारे देश के चैनल इस तरह के ऐड बनाते हैं तो वो दूसरे देश को ऑफेंड करने वाला होता है। हालांकि उनको लगता है कि ये हमेशा फ़नी होगा लेकिन हर बार ये फ़नी नहीं होता और इंडिया के लोग भी इसको गलत पाते हैं। आखिर इस तरह के ऐड्स बनाने की ज़रूरत क्या है, सबको पता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ रहा है, आपकी कुछ और टैगलाइन हो सकती थी लेकिन इस तरह की टैगलाइन देकर स्टार स्पोर्ट्स वाले कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन को ऑफेंड करने की कोशिश की और वही हुआ जो होना था, ऑस्ट्रेलियन ऑफेंड हो भी गए और हो भी क्यों ना, ये कोई मजाक थोड़ी ना आया, ऑन ग्राउंड थोड़ी सी स्लेजिंग हुई है उसको लेकर आपने ऐड बना दिया और वो भी आपने वीरेंद्र सहवाग को कास्ट कर लिया जो कि आपके कमेंटेटर है। ये दिखाता है कि स्टार स्पोर्ट्स की मीडिया टीम में कितने इमैच्योर लोग बैठे हैं जो दूसरे देश के क्रिकेट फैंस को ऑफेंड करने से भी बाज नहीं आते। चलिए आप पाकिस्तान को ऑफेंड कर रहे हैं समझ में आता है, वो ऑफेंड नहीं वो तो मज़ा है, पाकिस्तान को तो जितना ऑफेंड किया जाए उतना कम है, लेकिन क्या हर देश के लिए ऐसा होना ज़रूरी है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका क्या जवाब है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।